हेलो डियर लर्नर्स, आइए क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 ऑन द पोजीशन ऑफ डिफरेंट एडवर्ब्स इन सेंटेंसेस। ठीक है, तो देखिए बेसिक्स जो है इस कॉन्सेप्ट के, डिफरेंट पोजीशन पोजीशंस ऑफ डिफरेंट एडवर्ब्स इन सेंटेंसेस, इस कॉन्सेप्ट के बेसिक्स हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट भी हम इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेक्चर 1। ठीक है, ये लेक्चर 2 है, इसमें हम कुछ और ज्यादा और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स से रिलेटेड। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कनेक्टिव एंड कमेंट एडवर्ब्स आर यूजली यूज्ड इन द फ्रंट पोजीशन। जैसे हमने टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स डिस्कस किए थे, उसमें थे कुछ कनेक्टिव एडवर्ब्स, कमेंट एडवर्ब्स, नेवरदलेस था, अदरवाइज था, देयरफॉर था, ऑल्सो था, हेंस था। ठीक है, तो वो कनेक्टिव एडवर्ब्स हैं। ये जो एडवर्ब्स ऑफ कमेंट होते हैं, लकीली, फॉर्चुनेटली, सिंपली, प्रैक्टिकली, नेचुरली, पर्सनली, ठीक है, तो ये इस तरीके के जो एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ कमेंट्स एंड एडवर्ब्स ऑफ कनेक्शन। ठीक है, इनका यूज हम सेंटेंस में यूजली फ्रंट पोजिशन में करते हैं। अच्छा, उसके बाद में एक पॉइंट और ध्यान देना कि शॉर्टर एडवर्ब्स कैन ऑल्सो बी यूज इन अदर पोजिशन, कि जो शॉर्टर एडवर्ब्स होते हैं उनको हम अदर पोजिशन पे भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, शॉर्टर एडवर्ब्स और लॉन्गर एडवर्ब्स का डिफरेंस यहाँ पे मैं एक बार आपको ना क्लियर कर दूं, हालांकि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया, लेकिन फिर से आप समझ लें कि जब हम शॉर्ट एडवर्ब्स कह रहे हैं, ठीक है, और लॉन्गर एडवर्ब्स कह रहे हैं, तो एक्चुअल में हम यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं ये समझना। लॉन्गर एडवर्ब्स हम कह रहे हैं फ्रेजेस एंड क्लॉजेस को, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, जो सबॉर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं, या जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं, या जो नॉन फाइनाइट फ्रेजेस होती हैं, या नॉन फाइनाइट क्लॉजेस होती हैं, जब वो एडवर्ब का काम करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं लॉन्गर एडवर्ब्स। ठीक है, बाकी शॉर्टर एडवर्ब्स जो होते हैं वो एडवर्ब्स ही होते हैं, एडवर्ब्स, वर्ड्स विच आर एडवर्ब्स। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बता दिया था कि ये जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट केवल एडवर्ब से रिलेटेड है, एडवर्बियल से रिलेटेड नहीं है। मतलब हम इसमें फ्रेजेस और क्लॉजेस जो होती हैं एडवर्ब का रोल प्ले करते हैं, हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज अनदर कॉन्सेप्ट, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग, मतलब उसको सिलेबस में डिस्कस करेंगे। तो जो शॉर्टर एडवर्ब्स ऑफ कमेंट और शॉर्टर एडवर्ब्स ऑफ कनेक्शन होते हैं, उनको हम डिफरेंट पोजिशंस पे भी यूज कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए मैं आपको ये बातें एग्जाम्पल की मदद से समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखें, एनीवे, लेट्स फोकस ऑन द वर्क इन द एंड, इन द हैंड। ठीक है, लेट्स फोकस एट द वर्क एट हैंड। ठीक है, दूसरा, ही इज नॉट माई फ्रेंड, आई शैल हेल्प हिम एनी वे। ठीक है, थर्ड, ही इज नॉट माई फ्रेंड बट आई शैल हेल्प हिम, बट आई शैल, ये तो सेम एग्जाम्पल हो जाएगा, चलिए इसकी जरूरत नहीं, इसको मैं मिटा देता हूँ, काम करता हूँ जो हमने लिखी दिया वहां पर। एक मिनट, ये थोड़ा सा टाइम लेता है रेजर। अब देखिए यहां पे समझना, जैसे जो एनीवे है ना, ये हमारा कनेक्टिव एडवर्ब होता है। कनेक्टिव एडवर्ब का मतलब, इसका यूज हम तब करते हैं जब हम प्रीवियसली मेंशनड स्टेटमेंट को, मान लीजिए हम कोई बात पहले कह चुके हैं, ठीक है, और हम उसको फर्दर आगे आने वाली बात से जो हम कहना चाह रहे हैं उसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम एनीवे का यूज करते हैं। मान लीजिए हम पहले कोई डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं चलो भाई उस डिस्कशन को छोड़ो, ठीक है, तो हमने कह दिया एनीवे लेट्स फोकस ऑन द वर्क एट हैंड। ठीक, तो ये जो कनेक्टिव एडवर्ब्स होते हैं, जब आप इनको सेंटेंस के स्टार्ट में लिखते हैं ना, तो इनके साथ में कॉमा लगाया करें, ये ध्यान रखें। लास्ट में लिखेंगे तब तो नहीं लगाना है, लेकिन पहले लिखेंगे तो कॉमा यूज करना। एनीवे लेट्स फोकस ऑन द वर्क एट हैंड। ठीक है, तो इसका मतलब है खैर जो भी बातें पहले कर रहे थे वो सब छोड़ो एंड मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, लेट्स फोकस ऑन द वर्क एट हैंड, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज नॉट माई फ्रेंड
आई शैल हेल्प हिम एनी वे, लेकिन फिर भी मैं उसको मदद करूंगा, ठीक है। तो ये देखो एनी वे हमने ना इस क्लॉज के बाद में यूज किया। अच्छा, और ये जो एनी वे है ना, वो एक तरीके से इन दोनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर रहा है, मतलब इनके आइडियाज को कनेक्ट कर रहा है। टेक्निकली सेंटेंसेस को कनेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि सेंटेंस को कनेक्ट करना काम कंजंक्शन का होता है, लेकिन ये जो दोनों स्टेटमेंट जो हैं, इन स्टेटमेंट्स के आइडियाज को कनेक्ट करने का काम ये एनी वे कर रहा है। तो ये कनेक्टिव एडवर्ब्स होते हैं और इनका यूज हम करते हैं फ्रंट पोजिशन में सेंटेंस के, ठीक है। एक एग्जाम्पल से ये बात और समझा देता हूँ। जैसे हमने एक थर्ड सेंटेंस लिखा, ही वॉज इल, ही वॉज इल, हाउ एवर ही डिसाइडेड टू गो देयर, ठीक है, ऐसे लिखा। दूसरा एग्जाम्पल देखें, हाउ एवर ही विल गो देयर, थर्ड सेंटेंस लिखा, ही वॉज इल, ये तो हम लिख ही चुके हैं। चलिए फिर से एक बार पूरा इरेज हो गया, मैं फिर से लिख देता हूं, कोई नहीं। यहां पे देखिए, ही वॉज इल, हाउ एवर ही डिसाइडेड टू गो देयर, ठीक है। जैसे हमने इसको ऐसे लिखा। अब यहां पे देखिए दो स्टेटमेंट है, एक है ही वॉज इल कि वो बीमार था, एंड ही डिसाइडेड टू गो देयर। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना, ये कॉन्ट्रास्ट का रिलेशन शेयर कर रहे हैं, मतलब ये कॉन्ट्रास्टिंग है कि कोई पर्सन इल है उसके बावजूद भी कहीं जाने का मतलब डिसीजन ले रहा है, ठीक है। तो हमने क्या, वो जो कॉन्ट्रास्ट का इनका रिलेशन है आपस में, उस रिलेशन के बेसिस पे इनको कनेक्ट करने के लिए, इन आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एक एडवर्ब यूज कर लिया, हाउएवर। अच्छा, ये जो कनेक्टिव एडवर्ब्स होते हैं, इनका ध्यान क्या रखना है कि जब हम इनको फ्रंट पोजिशन में लिखते हैं, ठीक है, तब तो हम इनके बाद में कॉमा लगाते हैं, लेकिन अगर हम इनको उन दोनों सेंटेंसेस के साथ लिखें जिनको कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो ये फर्स्ट सेंटेंस के बाद में लिखे जाते हैं। तो जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसके बाद में आपको सेमी कॉलन यूज करना है, और ये जो कनेक्टिव एडवर्ब है इसके बाद में आपको कॉमा यूज करना है, ठीक है। ये मतलब ये जो आपका पंक्चुएशन है ना, इसका स्पेशली ध्यान रखना है। अगर हम उसको मेन स्टेटमेंट से पहले लिख रहे हैं तब तो आप केवल कॉमा लगाएंगे, फिर सेमी कॉलन की वहां पर जरूरत होती भी नहीं है। जैसे कि मान लो अगर मैं ऐसे लिख दूं, हाउएवर ही विल नॉट गो देयर, एंड सपोज वी हैव डिस्कस समथिंग अर्लियर, मान लीजिए हम कुछ पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब उसी को लेकर मैं फर्दर मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, हाउ एवर ही विल नॉट गो देयर, ठीक है। तो मैंने सिंपली कॉमा लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल स्टेटमेंट है हमारे पास, ही विल नॉट गो देयर, ठीक है। तो हमने इससे पहले कनेक्टिव वर्ड और हाउएवर लिखा, क्योंकि इनकी पोजीशन फ्रंट पोजीशन होती है, तो हमने कॉमा लगा दिया, ठीक है। लेकिन अब ध्यान ही देना कि अगर इस तरीके से दो स्टेटमेंट होते, ठीक है, यहां पर तो वो पहले वाले स्टेटमेंट अंडरस्टूड है, लेकिन अगर वो भी लिखना होता तो हम इस तरीके से लिखते, पहला स्टेटमेंट लिखते, उसके बाद में सेमी कॉलन यूज करते, और फिर उसके बाद में हम हाउएवर जो हमारा कनेक्टिव एडवर्ब है उसको लिखते, कॉमा लिखते, फिर अदर स्टेटमेंट लिखते, ठीक है। तो जो कनेक्टिव एडवर्ब्स होते हैं और कमेंट एडवर्ब्स होते हैं, इनका हम यूज करते हैं फ्रंट पोजिशंस में सेंटेंस में। शॉर्टर एडवर्ब्स की पोजिशंस डिफरेंट भी हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे हमने हाउएवर को फ्रंट पोजिशन में यूज किया, लेकिन यहाँ पर हमने इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में यूज किया, हालांकि यहाँ भी ये फ्रंट पोजिशन में ही है, उस स्टेटमेंट के लिए तो ये फ्रंट पोजिशन में ही है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट के कंपेरिजन में मिडिल पोजिशन में अब आ चुका है, क्योंकि एक स्टेटमेंट ये हो गया, एक स्टेटमेंट ये हो गया, तो उनके मिडिल में इसका यूज किया जा रहा है, ठीक है। और देखिए एग्जाम्पल, simply pay no attention to them, अबे simply adverb वो comment हो गया, तो हमने देखो इसको ऐसे use किया, simply pay no attention to them, कि भाई उनको कोई ध्यान नहीं दे, मतलब simple तरीका ये हो गया, ठीक है, in a simple manner pay no attention to them, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, you simply inform him, यू सिंपली इनफॉर्म हिम, ठीक है। तो ये जो हमारे कनेक्टिव एडवर्ब्स होते हैं या एडवर्ब्स ऑफ कमेंट्स होते हैं, उनको हम मतलब मेनली मतलब उनकी जो पोजिशन होती है वो फ्रंट पोजिशन होती है सेंटेंसेस में, बट शॉर्टर जो एडवर्ब्स होते हैं वो थोड़ा सा मोबाइल होते हैं, मतलब उनको हम मोबाइल होते हैं, तो उनको हम सेंटेंसेज में डिफरेंट पोजिशन पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये बात हो गई कनेक्टिव और कमेंट एडवर्ब्स की, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं,
नेक्स्ट में आ गया एडवर्ब्स ऑफ मैनर. एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर यूज इन द एंड पोजिशन. जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं, हाउ का रिप्लाई, वाइजली, ब्रेवली, क्विकली, ठीक है, नाइसली, स्वीटली, स्लोली, ठीक है. तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो होते हैं उनकी पोजिशन होती है ये, दे आर यूज इन द एंड पोजिशन ऑन अ सेंटेंस. उनको हम सेंटेंस के एंड पोजिशन में यूज करते हैं. मैं एग्जाम्पल से जैसे समझा दूं, द बॉय वर्कड हार्ड, ठीक है, द बॉय वर्कड ऑनेस्टली. तो देखिए ये हमारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर है. एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो होते हैं इनकी पोजिशन होती है ये. एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर यूज्ड इन द एंड पोजिशन, ठीक है, वो एंड पोजिशन में यूज होते हैं. उनकी पोजिशन ये होती है आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के बाद में यूज होते हैं. लेकिन इसमें एक भी बात और ध्यान देनी है कि जो एडवर्ब्स एल वाई के साथ एंड होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि ज्यादातर जो हमारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं वो एल वाई के साथ ही एंड होते हैं, कुछ को छोड़ देंगे, जैसे हार्ड है, फास्ट है, वेल है, ठीक है, इनको अगर हम छोड़ दें तो ज्यादातर हमारे जो एडवर्ब्स होते हैं वो एल वाई के साथ में एंड होते हैं, ठीक है. तो इस तरीके के जो एडवर्ब्स होते हैं विच एंड विद एल वाई, इनको हम मिडिल पोजिशन में भी यूज कर सकते हैं, उस कंडीशन में जब हमें एडवर्ब को स्ट्रेस ना करना हो. मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको आप एग्जाम्पल से समझें. देखिए, they answered the question honestly. दूसरा, they honestly answered the question. ठीक है, अब देखिए ये जो हमने ऑनेस्टली लिखा ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये एंड पोजीशन में है, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये मिडिल पोजीशन में है. तो ये जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं उनकी प्रेस्क्राइब्ड पोजीशन जो सेंटेंस में होती है वो होती है एंड. सो यू मस्ट यूज द मतलब यू शुड यूज एडवर्ब्स ऑफ मैनर इन द एंड पोजीशन. आपको उनको एंड पोजीशन में यूज करना चाहिए. लेकिन एक यहाँ पे छोटी बात ये भी ध्यान रखनी, व्हेन वी डोंट हैव टू स्ट्रेस द एडवर्ब. मान लीजिए जो एडवर्ब है वो हमारा मेन मतलब फोकस नहीं है, मतलब वी डोंट वॉन्ट टू फोकस द एडवर्ब, तो हम उसको ना एंड पोजिशन से हटा के मिडिल पोजिशन में लिख देते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं उनको हम एंड पोजीशन में लिखते हैं तब व्हेन वी हैव टू स्ट्रेस. जैसे हमने लिखा दे आंसर्ड द क्वेश्चन ऑनेस्टली, तो इट मींस वी आर स्ट्रेसिंग द मैनर ऑनेस्टली, कि उन्होंने आंसर्स किया क्वेश्चंस को ऑनेस्टली, मतलब उन्होंने चीट नहीं किया, झूठ नहीं बोला, दे डिड इट ऑनेस्टली. तो अगर हमें एडवर्ब को स्ट्रेस करना है देन वी यूज इट इन द एंड पोजिशन. सपोज हमारा एडवर्ब जो है वो मतलब मेन वर्ड नहीं है, या एडवर्ब को हम फोकस नहीं करना चाहते हैं, एडवर्ब हमारा मतलब मेन मैसेज नहीं है सेंटेंस कहने या लिखने या बोलने का, मेन मैसेज हमारा एडवर्ब नहीं है, तो फिर हम एडवर्ब को एंड पोजिशन से हटा के मिडिल पोजिशन में लिख देंगे, ठीक है. तो मतलब ये दोनों ही सही है, दे ऑनेस्टली आंसर्ड द क्वेश्चन, ये भी सही है, दे आंसर्ड द क्वेश्चन ऑनेस्टली, ये भी सही है. तो यहाँ पे ध्यान देने के, अच्छा वो बात मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, हम हालांकि फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं लेकिन मैं फिर भी आपको रिवाइज करवाने के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे. दे आंसर्ड ऑनेस्टली द क्वेश्चन, दे आंसर्ड ऑनेस्टली द क्वेश्चन, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है. ये गलत इसलिए हो जाएगा कि ये जो हमने आंसर्ड लिखा है ये हमारी वर्ब है, ठीक है, और द क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्ट है. तो ये जो एडवर्ब और मैनर हमने बीच में यूज कर लिया है एडवर्ब और ऑब्जेक्ट के, वर्ब और ऑब्जेक्ट के, ये गलत हो गया. तो मतलब वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में तो आप उसको नहीं यूज करेंगे, वर्ब से पहले यूज कर सकते हैं अगर आपको एडवर्ब स्ट्रेस नहीं करना है, एडवर्ब को फोकस नहीं करना है तो, ठीक है. अदरवाइज अगर एडवर्ब को फोकस करना है, एडवर्ब को स्ट्रेस करना है, तो फिर आप उसको एंड पोजिशन में यूज करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे. एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर यूज विद ऑल ऑक्सिलरीज विद पैसिवर्स. अब ये एक छोटा सा पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, ठीक है. देखिए जब हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर का यूज करते हैं ऐसी वर्ब्स के साथ में जिनके साथ में ऑक्सिलरीज होती हैं, हालांकि ये जो पॉइंट अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं इस पॉइंट को मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा थर्ड लेक्चर में, ठीक है, लेकिन फिर भी रेफरेंस के लिए थोड़ा सा आपका रेफरेंस यहाँ पे तैयार करवा देता हूँ, जिससे कि जब थर्ड लेक्चर में आपको समझाऊंगा तो उस समय आप इसको बेटर समझ पाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या, मैंने सपोज एक सेंटेंस लिखा, दे आर ब्रेवली फाइटिंग देयर
ठीक है। दूसरा दे शुड ब्रेवली हैव फेस्ड द चैलेंज। ठीक है, अभी देखो यहां पे समझना, ये आर हेल्पिंग वर्ब है, फाइटिंग मेन वर्ब है, शुड हेल्पिंग वर्ब हैव हेल्पिंग वर्ब है, स्टेट की हेल्पिंग वर्ब हैव है, और फेस्ट मेन वर्ब है। तो जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं ना, इनके आप पोजीशन समझना है। इनको अगर हम वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करें तो हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर को पोजीशन करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद में, मेन वर्ब से पहले। ठीक है, कॉमन सेंस की बात होती है कि जो एडवर्ब्स होते हैं वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, तो इसीलिए हम उन्हें वर्ब से पहले पोजीशन करते हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब से पोजीशन पहले पोजीशन करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन अब एक दूसरी बात ध्यान रखना, ये जो शुड है ये हेल्पिंग वर्ब हैव भी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी वर्ब के साथ में दो या दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है, जैसे इस तरीके के सेंटेंसेस में अक्सर ऐसा होता है कि जैसे वर्ब हमारे पास फेस्ट है लेकिन हेल्पिंग वर्ब दो है, शुड एंड हैव। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो अपना एडवर्ब है उसको हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में पोजिशन करेंगे। तो हम इसको ऐसे लिखें, एक्चुअली होता है कि ना, शुड जो है ये मॉडल ऑफ इंटेंशन है, ये ऑक्सिलरी ऑफ इंटेंशन है, हैव फेस्ट जो है ना दैट इज द स्टेट वर्ब, वो स्टेट की हेल्पिंग वर्ब है, मतलब परफेक्ट स्टेट की हेल्पिंग वर्ब होती है, तो वो स्टेट जो होती है वो इंटीग्रल पार्ट होती है वर्ब का, तो हम उसको साथ में ही रख लेते हैं। ठीक है, तो हैव फेस्ट को हम एक साथ रखेंगे, शुड को अलग रखेंगे, और इनके बीच में एडवर्ब ऑफ मैनर जो कि मिडिल पोजीशन होती है वो यूज हो जाएगा। ठीक है, तो जो मिडिल पोजीशन के हमारे एडवर्ब्स होते हैं, अगर हम उनको किन्हीं ऐसी वर्ब्स के साथ में यूज करें जिनके साथ उनकी हेल्पिंग वर्ब्स भी लिखी हुई है, तब उनकी पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ठीक है, उनको हम पोजीशन करेंगे। अगर किसी वर्ब के साथ में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिख देंगे, अगर किसी वर्ब के साथ में दो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में उसको यूज कर लेंगे, मतलब जो फर्स्ट ऑक्सिलरी है उसके बाद में यूज करेंगे। लेकिन ये कहानी थोड़ी सी डिफरेंट तब हो जाती है जब हम किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर को यूज करना चाहिए ऑल ऑक्सिलरीज के बाद में, जितनी भी ऑक्सिलरीज है उनके सबके बाद में। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, इट इज बींग अननेसेसरली शिफ्टेड देयर। ठीक है, अब यहां पे देखो समझना, इज हेल्पिंग वर्ब है, बींग हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है ना, स्टेट की नहीं, ध्यान देना कि पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है, और इज शिफ्टेड मेन वर्ब है, तो ये पैसिव वर्ब है, इज बींग शिफ्टेड पैसिव वर्ब है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई वर्ब पैसिव है तो उस केस में एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो होते हैं ना उनको लिखना मेन वर्ब से पहले, अगर एक हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद, दो हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट एडवर्ब ऑफ मैनर के पोजिशन को लेकर आप ध्यान रखेंगे कि एडवर्ब्स ऑफ पोजिशन जो, एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो होते हैं, मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, एडवर्ब्स ऑफ मैनर की जो पोजिशन होती है सेंटेंस में वो एंड पोजिशन होती है, दे शुड बी यूज इन द एंड पोजिशन, बट वेन वी डोंट हैव टू फोकस ऑन द एडवर्ब, वेन वी डोंट हैव टू स्ट्रेस द एडवर्ब, वी कैन यूज इट इन द मिडिल पोजिशन ऑल्सो, तो हम उसको मिडिल पोजिशन में भी यूज कर सकते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जब हम किसी एडवर्ब को मिडिल पोजिशन में लिखते हैं तो वहां पर अगर केवल वर्ब है तब तो कोई इशू नहीं, क्योंकि आप एडवर्ब को मिडिल पोजिशन में वर्ब से पहले लिखकर यूज करते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो प्रेडिकेट स्टार्ट विद अ वर्ब तो वो उससे पहले आ जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब का भी यूज हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो एडवर्ब की मिडिल पोजीशन होती है वो बिफोर द मेन वर्ब होती है, तो वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको एडवर्ब यूज करना पड़ता है जो मिडिल पोजीशन का होता है। उसके बाद में कंडीशन ये होती है कि सम टाइम अ वर्ब टेक्स मोर देन वन ऑक्सिलरी, कई बार ऐसा होता है किसी वर्ब के साथ में एक से ज्यादा ऑक्सिलरी यूज होती है, तो अगर किसी वर्ब के साथ में एक से ज्यादा ऑक्सिलरी यूज हो रही है तो जो आप मिडिल पोजिशन है एडवर्ब की वो होती है फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद में। लेकिन एडवर्ब्स ऑफ मैनर को लेकर एक बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी पैसिव वर्ब के साथ में हम एडवर्ब मैनर का यूज मिडिल पोजीशन में करेंगे, ठीक है, एंड पोजीशन में करेंगे देन नो इशू, एंड पोजीशन में तो कोई डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता, क्योंकि एंड पोजीशन में अगर आप एडवर्ब ऑफ मैनर को यूज करना है तो वो लास्ट में चला जाएगा सेंटेंस का। ठीक है, बट इफ यू हैव टू यूज द एडवर्ब ऑफ मैनर इन मिडिल पोजीशन, व्हाई वुड वी यूज इट, हम क्यों उसको मिडिल पोजीशन में यूज करेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव टू स्ट्रेस इट, वी डोंट वांट टू फोकस ऑन इट। ठीक है, हम उससे फोकस नहीं करना चाहते, हम स्ट्रेस नहीं करना चाहते, तो हम एडवर्ब ऑफ मैनर को मिडिल पोजीशन में यूज करेंगे। तो जब आप एडवर्ब ऑफ मैनर को मिडिल पोजीशन में यूज करोगे तो उसको पोजीशन करना मेन वर्ब से पहले। ठीक है, अगर वहां पे दो हेल्पिंग वर्ब है, दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको सारी हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में एडवर्ब ऑफ मैनर को यूज करना है। ठीक है, तो एडवर्ब मैनर की पोजीशन को लेकर ये बात ध्यान रखनी जो यहां पे समझा दी गई। चलिए
एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को देखिए, इनको भी हम एंड पोजिशन में यूज करते हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आर यूज इन द एंड पोजिशन, इनको भी हम एंड पोजिशन में यूज करते हैं। जैसे कि ही वॉज वेटिंग आउटसाइड आई शैल नॉट गो देयर, ठीक है। तो ये जैसे आउटसाइड है, देयर है, ये हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होते हैं, इनकी भी पोजिशन होती है इन द एंड, इनको भी आपको एंड में यूज करना है। तो एडवर्ब ऑफ पोजिशन आर यूज इन द एंड पोजिशन इन द सेंटेंसेस, इनको हम सेंटेंसेस में एंड पोजिशन में यूज करते हैं। एक मिनट, ये स्क्रीन पे आ गया, ठीक है, ये इनका हो गया। लेकिन उसके बाद में ध्यान रखना है कि दिस कैन ऑल्सो बी यूज इन द फ्रंट पोजिशन व्हेन द एडवर्ब इज स्ट्रेस्ड। अगर हम कभी किसी एडवर्ब ऑफ प्लेस को स्ट्रेस करना चाहें, मतलब देखिए होता क्या है कि एडवर्ब ऑफ मैनर की डिस्क्राइब पोजिशन हो गई एंड, वी हैव टू यूज एडवर्ब ऑफ पोजिशन, एडवर्ब ऑफ प्लेस इन द एंड पोजिशन, ठीक है। बट इफ वी वांट टू स्ट्रेस द एडवर्ब, अगर हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस को स्ट्रेस करना है, देन वी यूज इट इन द एंड फ्रंट पोजिशन, तो हम उसको फ्रंट पोजिशन में यूज करते हैं। लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में आपको यूज करनी पड़ती है इन्वर्टेड फॉर्म्स, ठीक है। इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए जैसे हमने लिखा योर कार इज देयर, ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट भी और एंड पोजिशन भी है। अगर हम इस देयर को स्ट्रेस करना चाहें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देयर इज योर कार, एक मिनट, केयर लिख गया। अच्छा, ये जो पॉइंट अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या समझा रहा हूँ, इसको काफी डिटेल में समझाया जा चुका है, जो हमारा इससे पहले एक यूट्यूब पे मतलब वीडियो हमने डिस्कस किया था डमी सब्जेक्ट्स। तो डमी सब्जेक्ट्स में हमने इट और देयर दो होते हैं, तो हमने देयर को उसमें डिस्कस कर रखा है, तो उसमें सारी बातें डिटेल में समझाई गई है कि अगर हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को स्ट्रेस करना चाहें, देन वी हैव टू यूज देम इन द फ्रंट पोजिशन। लेकिन जब आप उनको फ्रंट पोजीशन में यूज करोगे तो उनके साथ वर्ब इन्वर्टेड फॉर्म में लिखोगे। इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब होता है कि सब्जेक्ट इज पुट आफ्टर द वर्ब, सब्जेक्ट को वर्ब के बाद में पुट करना होता है, पहले वर्ब आ जाते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल से ये बात समझ लेते हैं। देयर गोज द बस, देयर दे गो। अब यहां पे ध्यान ये रखना है आपको छोटी सी बात का कि अगर हम किसी एडवर्ब ऑफ प्लेस को स्टार्टिंग में लिख रहे हैं सेंटेंस में स्ट्रेस करने के लिए, तो हम उसके साथ इन्वर्टेड फॉर्म लिखेंगे। लेकिन ध्यान देना है कि इन्वर्टेड फॉर्म का यूज नाउंस के साथ करना, प्रोनाउंस के साथ मत करना। हालांकि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, ये सब जगह पहले से ही लिखा होता है, लेकिन फिर भी आप इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये हमने जो हमारा डमी सब्जेक्ट्स का वीडियो है यूट्यूब पर, ठीक है, ये जो हम पोजिशन ऑफ एडवर्ब डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले मैंने वही टॉपिक डिस्कस किया था। तो डमी सब्जेक्ट्स का जो हमारा वीडियो है उसमें हमने डमी सब्जेक्ट देयर को काफी डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप वहां से उसको देखकर ये जान सकते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि नाउन के साथ हम इन्वर्टेड फॉर्म लिखते हैं, प्रोनाउन के साथ में इन्वर्टेड फॉर्म नहीं लिखते हैं। बट फिलहाल में ये ध्यान देना कि अगर हम एडवर्ब ऑफ प्लेस को स्ट्रेस करने के लिए फ्रंट पोजीशन में सेंटेंस के यूज करेंगे तो उसके बाद में वर्ब के इन्वर्टेड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। इन्वर्टेड फॉर्म्स जो होती हैं वो नाउंस के साथ यूज होती हैं, प्रोनाउंस के साथ नहीं यूज होती। क्यों नहीं यूज होती, उसके लिए आप ये वीडियो देखें डमी सब्जेक्ट्स पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखेंगे, एडवर्ब्स ऑफ डायरेक्शन आर यूज बिफोर द एडवर्ब्स ऑफ पोजीशन। देखिए मैं आपको बताता हूं होता क्या, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, जैसे हमने प्लेस कह दिया, किसी भी एडवर्ब को प्लेस कह दिया, तो प्लेस का मतलब क्या होता है आप समझना। प्लेस का मतलब डायरेक्शन भी, पोजीशन भी, ठीक है। तो जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं जो रेफर करते हैं डायरेक्शन ऑफ द मोशन, डायरेक्शन ऑफ द मोशन को रेफर करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पोजीशन रेफर करते हैं, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस को ना हम दो सब कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन और एक एडवर्ब ऑफ पोजीशन। तो उसमें से जो एडवर्ब ऑफ पोजीशन होते हैं, जिन्हें बेसिकली हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं, और जो एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन होते हैं, इनमें से एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन को एडवर्ब ऑफ पोजीशन से पहले यूज करना पड़ता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो, चाहे डायरेक्शन को रेफर करे चाहे पोजीशन को रेफर करे, वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा वेयर का रिप्लाई,
ठीक है, इधर वो वेयर का रिप्लाई ही होगा। लेकिन जब हम अगर दोनों को एक साथ में यूज कर लें, कभी अगर हमें ऐसा करना पड़े कि एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन एडवर्ब ऑफ पोजीशन दोनों एक साथ यूज करने पड़े, तो उसमें जो एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन है वो एडवर्ब ऑफ पोजीशन से पहले यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई थ्योरेटिकल। अब मैं आपको ना इसको एग्जाम्पल की मदद से समझा देता हूँ। देखिए, जैसे हमने लिखा द चिल्ड्रन आर रनिंग अराउंड अप स्टेयर्स, ठीक है, तो जैसे हमने लिखा द चिल्ड्रन आर रनिंग अराउंड, ठीक है, अप स्टेयर्स। अब इसमें देखो ध्यान से समझना, एक मिनट, ये जो हमने रनिंग लिखी है ना, ये वर्ब मोशन शो करती है। भाई रन करना ये एक मूवमेंट की वर्ब है, मोशन की वर्ब है, ठीक है। तो अगर ये मोशन है तो इस मोशन में कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगा। तो ये जो हमने अराउंड लिखा ना, ये है डायरेक्शन, एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अपस्टेयर्स जो है ये है पोजीशन, तो यहां पे हमें ध्यान ये रखना है कि अगर हम कभी ऐसा करें कि हम किसी वर्ब के साथ में एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन एडवर्ब ऑफ पोजीशन दोनों यूज करें, तो उनमें जो एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन है उनको एडवर्ब ऑफ पोजीशन से पहले लिखना। चलिए एक एग्जांपल से ये बात मैं आपको और समझा देता हूं। जैसे हमने दूसरा एग्जांपल लिखा, दे वर वॉकिंग अलोंग, दे वर वॉकिंग अलोंग आउटसाइड, ठीक है, दे वर वॉकिंग अलोंग आउटसाइड। अब यहां पे देखो समझना, वर्ब वॉकिंग ये भी मूवमेंट की वर्ब है, मोशन शो करने वाली वर्ब है, वॉक करना मोशन है। व्हेन समवन वॉक्स ही मूव्स, जब कोई पर्सन वॉक करता है या रन करता है तो मूव करता है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, तो ये वर्ब मोशन शो करती है। तो इसके साथ में एक मिनट, तो डबल एल लिख गया। अलोंग, तो जो अलोंग है ना, ये है डायरेक्शन, मूवमेंट की डायरेक्शन। अलोंग का मतलब टुगेदर, कि वो मूव कर रहे थे अलोंग, ठीक है। अच्छा, वेयर वर दे डूइंग इट, कहां कर रहे थे वो ऐसा, तो आउटसाइड, आउटसाइड इज द पोजिशन, इनसाइड आउटसाइड पोजिशन शो करते हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो यहां पे हमें ध्यान ये रखना है कि जब हमें किसी वर्ब के साथ में, ठीक है, किसी वर्ब के साथ में एडवर्ब ऑफ मोशन एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन और एडवर्ब ऑफ पोजीशन दोनों लिखने हो, तो उसमें जो आपके एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन होते हैं ना, वो एडवर्ब ऑफ पोजीशन से पहले लिखे जाते हैं। ये बात छोटी सी है कि इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया थर्ड एग्जाम्पल। एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड डेफिनेट फ्रीक्वेंसी आर यूजली यूज इन द एंड पोजिशन। अच्छा, जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम और एडवर्ब्स ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होते हैं, इनको भी एंड पोजिशन में ही यूज करना होता है, इनकी भी एंड पोजिशन होती है सेंटेंस में, ये भी ध्यान रखना है। मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा, ही विजिटेड अस टुमारो, या सॉरी यस्टरडे, ही विजिटेड अस यस्टरडे, आई विल पे अटेंशन नाउ, आई शैल पे अटेंशन नाउ, ठीक है। तो देखिए, ये जो हमने यहां पे लिखा है नाउ, या हमने यस्टरडे लिखा है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। या एक एग्जांपल और लिख देता हूं बेहतर समझने के लिए, ही कॉल्ड मी अगेन, ठीक है। तो ये जो हमने अगेन लिखा ना, ये एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पे हमें ध्यान ये रखना है कि जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है, या एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है, दे आर यूज्ड इन द एंड पोजीशन, तो उनको हमें एंड पोजीशन में यूज करना पड़ता है, उनकी सेंटेंस में पोजीशन ये होती है, ठीक है। लेकिन फिर उसमें एक दो और भी इश्यूज हैं, आप इनको समझ सकते हैं। दे कैन बी ऑल्सो यूज इन द फ्रंट पोजिशन इफ द एडवर्ब इज नॉट स्ट्रेस्ड। अगर मान लीजिए हमें एडवर्ब को फोकस नहीं करना है, एडवर्ब को स्ट्रेस नहीं करना है, तो हम उस एडवर्ब को फ्रंट पोजिशन में भी यूज कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। They will go there tomorrow. या एक मिनट, They will pay the bill tomorrow. ठीक है, दूसरा, tomorrow they will pay the bill.
ये जो टुमारो है ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, यहां पर हमने इसको यूज किया फ्रंट पोजिशन में, यहां पर हमने इसको यूज किया एंड पोजिशन में, ठीक है। तो अब आपको ध्यान ही रखना है कि जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं इनकी जो यूजुअल पोजिशन होती है वो होती है एंड, दे आर यूज इन द एंड पोजिशन, ठीक है, उनको हमें एंड पोजिशन में सेंटेंस के यूज करना होता है। बट लेकिन कई बार अगर ऐसा होता है कि हमारा एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना कि उसका टाइम, सपोज कोई एक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि उसका टाइम, तो जब टाइम हमारा स्ट्रेस नहीं होता है, जब टाइम हमारा फोकस नहीं होता है, तो हम उसको मिडिल पोजिशन में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमें यह बताना है, मतलब इस बात पे स्ट्रेस देना है कि वो बिल कब पे करेंगे, तब तो हम लिखेंगे सेंटेंस ऐसे, दे विल पे द बिल टुमारो। टुमारो का मतलब वी आर स्ट्रेसिंग दिस टाइम, हम इस टाइम को स्ट्रेस कर रहे हैं कि वो बिल कल पे करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें टाइम को नहीं स्ट्रेस करना है, हमें यह बताना है कि हमें बिल पे कर देंगे, ठीक है, टाइम को स्ट्रेस नहीं करना, तो हम लिखेंगे ऐसे, टुमारो दे विल पे द बिल, ठीक है। तो अगर हम इस एक्शन को स्ट्रेस कर रहे हैं, दे विल पे द बिल, तो हम टुमारो को पहले लिखेंगे, अगर हम टुमारो को स्ट्रेस कर रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे लास्ट में। तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो होते हैं उनको हम एंड पोजिशन और फ्रंट पोजिशन दोनों में यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट पोजिशन में उनको तभी यूज किया जाता है व्हेन दे आर नॉट द मेन फोकस, जब वो हमारे मैसेज का मेन फोकस नहीं होते, व्हेन दे आर नॉट स्ट्रेस, जब वो स्ट्रेस नहीं होते एंड वी डोंट हैव टू फोकस ऑन देम, और हमें उन्हें फोकस नहीं करना होता, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद में फाइनली लास्ट सून ऑलरेडी इवेंचुअली आर यूज इन द मिडिल पोजिशन, ये एडवर्ब ऑफ टाइम जो होते हैं ना इनको मिडिल पोजिशन में यूज किया करो, ऑलरेडी सून लास्ट एंड फाइनली, ठीक है। मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, जैसे they already knew him, they have already informed him, ठीक है। अब देखिए मिडिल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास केवल सेंटेंस है, केवल वर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ मतलब जो भी हम मिडिल पोजीशन में यूज कर रहे हैं उसकी पोजीशन होती है मेन वर्ब से पहले, तो यहां पे आ गया। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब भी हो मेन वर्ब के साथ में, तो जो मिडिल पोजीशन हो जाती है वो उसकी हो जाती है हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, तो ये मिडिल पोजीशन हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान ही रखना है कि फाइनली है, लास्ट है, सोन है, ऑलरेडी है एंड इवेंचुअली है, ये मिडिल पोजीशन में यूज होने वाले एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं, तो इनका यूज आप करेंगे मिडिल पोजीशन में, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में एडवर्ब्स ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी आर यूज बिफोर एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब देखिए जैसे एडवर्ब्स ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी एक हो गया, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स का रिप्लाई होता है ना वो, और एक एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो गया वेन का रिप्लाई। अगर कभी ऐसा हो कि हमें किसी सेंटेंस में किसी वर्ब के साथ में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ टाइम दोनों को एक साथ में यूज करना पड़े, तो एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी को एडवर्ब ऑफ टाइम से पहले यूज करना है, ठीक है। मैं एग्जांपल से ये बात भी समझा देता हूं। ही विल गो देयर ट्वाइस टुमारो, या हालांकि मैं नेक्स्ट मंथ नहीं लिखना चाहता क्योंकि वो फ्रेज हो जाएगा, टुमारो लिख देता हूं। अब देखिए ये जो ट्वाइस है ना ये डेफिनेट फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब है, टुमारो जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, ये ध्यान देना है, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। I have revised it again today, ठीक है। अब देखो आई हैव रिवाइज इट अगेन टूडे, तो अगेन जो है ये एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और एवरी टूडे जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो अगर कभी ऐसा हो कि एडवर्ब ऑफ टाइम को एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी को एक साथ ही यूज करना पड़े किसी सेंटेंस में, तो एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी को एडवर्ब ऑफ टाइम से पहले लिखकर यूज करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या सीखा कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है सेंटेंस में वो एंड पोजीशन होती है, बट व्हेन वी डोंट हैव टू स्ट्रेस ऑन देम, जब हमें उन्हें स्ट्रेस नहीं करना होता है, वी कैन यूज देम इन द फ्रंट पोजीशन ऑल्सो, तो हम उन्हें फ्रंट पोजीशन में भी यूज कर सकते हैं।
फाइनली लास्ट सोन ऑलरेडी इवेंचुअली इनको मिडिल पोजिशन में यूज करना है इन एडवर्ब्स को. मिडिल पोजिशन का मतलब क्या था आपको समझाया जा चुका है, बाकी उसको थर्ड लेक्चर में और डिटेल में समझाएंगे, ठीक है. उसके बाद में एडवर्ब्स ऑफ डेफिनेट फ्रिक्वेंसी और एडवर्ब्स ऑफ टाइम को अगर हम एक साथ में यूज करें किसी सेंटेंस में, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो एडवर्ब्स ऑफ डेफिनेट फ्रिक्वेंसी है वो एडवर्ब ऑफ टाइम से पहले यूज किए जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है. उसके बाद में एडवर्ब्स ऑफ मैनर प्लेस टाइम आर मोस्ट ऑफन यूज इन द सीक्वेंस ऑफ मैनर प्लेस एंड टाइम. ये हालांकि हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, ठीक है, ये हमने फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी हमने डिस्कस किया था. फिर से एक बार समझ लीजिए कि जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर एंड पोजिशन में यूज होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड पोजिशन में यूज होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड पोजिशन में यूज होते हैं. तो अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें हम तीनों टाइप के एडवर्ब्स का यूज करें, एडवर्ब ऑफ मैनर भी यूज करें, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी यूज करें, एडवर्ब ऑफ टाइम भी यूज करें, तो फिर हम इन तीनों को किस सीक्वेंस में लिखेंगे. ये तो चलिए ठीक है कि एडवर्ब मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम को आप एंड पोजिशन में यूज करेंगे, बट यहां पे बात यह है कि अगर हम उन तीनों को एक साथ लिखेंगे तो उनका अपना सीक्वेंस क्या होगा. तो उनको अपना इस सीक्वेंस में लिखेंगे, मैनर प्लेस एंड टाइम. सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है. मैं एग्जाम्पल से इस बात को समझा देता हूं. देखिए, ही विल वर्क कॉन्फिडेंटली there forever, ठीक है. एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक और लिख देता हूं. they performed well outside yesterday, ठीक है. अब यहां पे देखो समझना, कॉन्फिडेंटली मैनर, देयर प्लेस, फॉर एवर टाइम, ठीक है, वेल मैनर, आउटसाइड प्लेस, स्टर्डे टाइम. आप परफॉर्म्ड की जगह चाहते तो हम यहाँ पे प्लेड भी लिख सकते थे, लेकिन चलिए समझिए. तो अगर हम कभी ऐसा करें कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम, जो कि एंड पोजीशन में यूज होने वाले एडवर्ब्स होते हैं, एक साथ में किसी सेंटेंस में यूज कर लें, तो उनको इसी सीक्वेंस में लिखना, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम. मतलब उनको इस सीक्वेंस में आपको लिखना पड़ेगा जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ये ध्यान रखना, ठीक है. लेकिन फिर इसमें एक छोटा सा बात और भी, मतलब एक छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कि वो ये है कि वर्ब्स ऑफ मोशन जो होते हैं आर फॉलोड बाई एडवर्ब्स ऑफ डायरेक्शन एंड पोजिशन, ठीक है. देखिए, जैसे हमने परफॉर्म वर्ब लिखी है, ठीक है, या वर्क वर्ब लिखी है, सो दीज आर नॉट द वर्ब्स ऑफ मोशन. ये वर्ब्स ऑफ मोशन नहीं है, ये वर्ब्स मूवमेंट या मोशन नहीं शो करते हैं, ठीक है. अगर मान लीजिए कोई ऐसी है जो वर्ब ऑफ मोशन है, वर्ब ऑफ मूवमेंट है, मतलब सपोज अ वर्ब विच शो सम काइंड ऑफ मोशन और सम काइंड ऑफ मूवमेंट, अगर हम कोई ऐसी वर्ब यूज कर लें, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मतलब चाहे वो पोजीशन का एडवर्ब है या डायरेक्शन का एडवर्ब है, उससे फर्क नहीं पड़ता, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो पहले लिखा जाएगा दूसरे एडवर्ब से, ठीक है. विद द वर्ब्स ऑफ मोशन एंड वर्ब्स ऑफ मूवमेंट, मैं एग्जांपल से समझाता हूं इस बात को समझना. देखो, द मैन फेल डाउन हैवली, ठीक है. दूसरा, दे रिटर्न्ड होम एंग्रीली. ये दो एग्जांपल से आप समझें. दे रिटर्न्ड होम एंग्रीली, द मैन फेल डाउन हैवली, ठीक है. देखो, होम एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एंग्रीली एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है, डाउन एडवर्ब ऑफ प्लेस है, हैवली एडवर्ब ऑफ मैनर है. एक और लिख देता हूं एग्जांपल, देखो, थर्ड, दे विल रीच देयर सून,
खैर इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम तो वैसे बाद में यूज होता है, लेकिन चलिए अब एग्जाम्पल लिख दिया तो कोई बात नहीं। देखो, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि अगर हम एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम को एक साथ में लिखेंगे तो उसमें जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है एडवर्ब ऑफ मैनर उससे पहले यूज होगा। लेकिन लेकिन अब होता क्या है, अगर हम कोई ऐसी वर्ब यूज कर लें जो मूवमेंट को शो करती है, मोशन को शो करती है, जैसे रीच है, रिटर्न है, फेल है, ठीक है, वॉक है, जंप है, स्विम है, ठीक है, फ्लाई है, गो है, ठीक। तो अगर हम कोई भी ऐसी वर्ब यूज कर लें जो किसी मूवमेंट को या मोशन को रेफर करती है, तो उस केस में एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले यूज होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर बाद में यूज होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना चाह रहा था, उसको ऐसे लिख देता हूँ। सपोज मान लीजिए मैं लिख दूं, दे विल गो देयर हैप्पीली। तो यहाँ पे देखो, गो इज द वर्ब ऑफ मोशन, गो वर्ब ऑफ मोशन है, गो वर्ब ऑफ मूवमेंट है। तो हमने इसके बाद पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस देयर लिखा, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर हैप्पीली लिखा। तो जो वर्ब ऑफ मोशन है, वर्ब ऑफ मूवमेंट होती है ना, असल में होता है क्या ना, जो पोजीशन है या जो डायरेक्शन है वो उनका इनहेरेंट फीचर होता है। वर्ब ऑफ मोशन है, वर्ब ऑफ मूवमेंट का वो इंट्रिंसिक या आप यूं कह लें कि इनहेरेंट फीचर उनका होता है, तो वो उनके साथ ही लिखना पड़ता है। तो वर्ब ऑफ मोशन और वर्ब ऑफ मूवमेंट के केस में तो एडवर्ब ऑफ प्लेस एडवर्ब ऑफ मैनर से पहले लिखा जाएगा, अदरवाइज पहले एडवर्ब ऑफ मैनर यूज होगा, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज होगा, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम यूज होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ये सेकेंड वीडियो भी हमारा ओवर हुआ, अब थर्ड वीडियो मैं आप लोगों के लिए भी बनाऊंगा या शूट करना शुरू करता हूँ, ठीक है। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जो हमारे लर्नर्स, टीचर्स हैं, जो अपना इंस्टीट्यूट्स रन करते हैं, कोचिंग रन करते हैं, या किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं और इंग्लिश टीचिंग में अपना करियर देखते हैं, या उनको इंग्लिश पढ़ाना पसंद है, या इंग्लिश पढ़ाना उन्हें अच्छा लगता है, और वो इसको मतलब ईमानदारी से, मेहनत के साथ और जिम्मेदारी के साथ में पढ़ाना सिखाना बच्चों को चाहते हैं, और मतलब सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, एक मतलब एक डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं कि इंग्लिश से जो लोगों को फायदा मिलना चाहिए वो चाहते हैं कि वो उसमें कंट्रीब्यूट करें, और उसके लिए अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, ठीक है, जो हमारा फॉर टीचर्स है, स्पेशल प्रोग्राम फॉर टीचर्स है, तो वो हमें व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर 9891991959 इस नंबर पर हमें एक मैसेज ड्रॉप करें कि आई एम इंटरेस्टेड इन स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स, ठीक है। तो हमारा टीचर्स के लिए क्या प्रोग्राम है, उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या आपको करना होगा, वो सब मैं फिर आपको ना कॉल के थ्रू, मतलब आप, आई विल अरेंज फॉर अ कॉल, मैं एक कॉल अरेंज करवाऊंगा आपके लिए और आपको सारी चीजें उसमें डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। उसमें हम आपके साथ में जो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, इंग्लिश के, वो सब डिस्कस करेंगे, आपको सिखाएंगे, उनके लिए प्रिपेयर करेंगे, मतलब देर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स। बस बात सीधी सी ये कि अगर आप ईमानदारी के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में, सिंसेरिटी के साथ में इंग्लिश टीचिंग करना चाहते हैं, ठीक है, और धीरज है, ठीक है, और मतलब मुझ में भरोसा है, मुझ में भरोसा करते हो कि मेरे साथ में अगर मतलब टीचिंग करोगे, या मतलब तो मतलब इफ यू हैव गॉट फेथ इन मी, सीधी सी बात ही है, ठीक है, देन यू मस्ट कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सअप ऑन दिस नंबर, ठीक है। तो मैं टीचर्स के लिए जो अपना प्रोग्राम है उसको बड़ी जल्दी ही लॉन्च करने वाला हूँ, मोस्ट प्रोबेबली टीचर्स डे पर उसको कर दूंगा लॉन्च, ठीक है। तो उसके पहले मैं चाहता हूँ सारी स्क्रीनिंग वगैरह जो है वो हो जाए, ठीक है। तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू एवरीबडी, बहुत अच्छा लगा, ठीक है, मीट यू इन द थर्ड लेक्चर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट।